Assalamu alaikum wa wabarakatuhu uh, My dear friends, uh, sisters, brothers, ICCB members uh, It's an opportunity for me to uh, once again uh, appear in front of uh, all of you and you know make an appeal uh, with regards to this end-to-end uh, event which is scheduled on this coming 11th March, uh, uh, 8.30, morning, 8 o'clock, around 8.30 uh, till, uh, it will continue till afternoon, inshallah सो दिस इवेंट इज प्लान्पेशली लॉट ऑफ पीपल हैव रेजिंग सम इंक्वायरीज एंड दे हैव रेज देयर कंसर्न एज वेल कुछ लोग जो है हमारे पास uh, इसके बारे में जानकारी भी uh, लेने के लिए अपने मेरे पर्सनल विंडो में भी मैसेजेस किए हैं और हमारे साथियों के मेम्बर्स के यू you नो know, uh, उनके पर्सनल विंडो में मैसेजेस आए हैं और इसमें बहुत सारे सवाल किया गया कि कौन अटेंड कर सकता है किसको फ़ायदा होगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहता था तो मैं सोचा कि चलो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूँ पहली बात तो आप लोगों को शाबान शाबान के महीने का मुबारकबाद तो इन श्ला तला हम सबको तोफ़ी दें और रमज़ान में भी हमको खूब मेहनत करके बात करने का तोफ़र था फूल मैं अब जो पहल किया गया है एन टू एन का इसका मकसद है कि नेटवर्क टू नेटवर्क टू नेटवर्क तो मतलब एक नेटवर्क जो है नेटवर्क का मतलब होता है कि एक एक दूसरे से जो हम मेल मिलाप करते हैं उसको जो है एक नेटवर्थ मतलब अपना कारोबार में एक असर बनाने की कैसा उस पर हेल्प ले सकते हैं मतलब एक दोस्ती को एक कामयाब बिज़नेस के ओर कैसे ले जा सकते हैं तो ये मकसद है इसका इसलिए आया कि, कि एक जे डब्ल्यू में हम लोग दो साल पहले जब एक बहुत बड़ा इवेंट हमने रखा था जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए तीन सौ लोगों के आसपास जो है वो तादाद थी तो उसमें हम लोग सब तो बहुत लोग तो बहुत सारी चीज़ों में मशगूल थे कुछ लोग तस्वीरें खींच रहे थे कुछ लोग आ, मीडिया को फ़ेस कर रहे थे कुछ लोग जो है आपस में दूसरे चीज़ों के बारे में मशवरा कर रहे थे तो कुछ लोग जो हैं वो चंद लोग चंद ऐसे आप, आप थे जो है अपने बिज़नेस के नेटवर्क करते थे उस वक्त उनमें से ही कुछ ऐसे साथी हैं उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास कुछ डेटा है लेकिन इनमें से कुछ साथी जो हैं ऐसे भी हैं जो उस वक़्त पंद्रह बीस हज़ार पच्चीस हज़ार तीस हज़ार के रेंज में बिज़नेस करने वाले साथी थे तो वो जो है वो इस नेटवर्क उसी वक्त वहाँ पर आ, कुछ बहुत साथियों से उन लोगों ने मशवरा किया और उन लोगों का माशाल्लाह इतना अच्छा कारोबार बन गया कि आज दो तीन साल के अंदर जो पच्चीस तीस हज़ार चालीस हज़ार महीने का बिज़नेस करते थे आज उनका जो है टर्न ओवर एक करोड़ के आसपास हो गया अब ये जो है ये जानकारी जो हमको जैसे मिली हमको लगा कि भाई यह हमको लोगों को सामने रखना पड़ेगा इन लोगों को और बताना पड़ेगा कि इनका जर्नी कैसा रहा कहाँ से मुलाकात स्टार्ट किया और तीन साल में एक करोड़ तक का ये जर्नी कैसा गुजरा तो ये इसमें आ, हमको तो मालूम है लेकिन आप लोगों के सामने उनको पेश करना था तो इसका एक बड़ा मकसद ये था कि इन दोनों को आपके सामने पेश करें और ऐसे मिसाल और क़ायम करें ताकि आप लोग सीखें कि ऐसे मजमे में जो हज़ारों के सौ के तहत में मजमा रहता है तो आप नेटवर्किंग कैसा करके उससे कैसा एक हज़ारपति से करोड़पति बन सकते हैं ये एक हमारा मकसद है पहला दूसरा जो है ऑफ कोर्स नेटवर्किंग के बाद हम लोगों का मकसद है कि आपको कुछ चीज़ों को सिखाया जाए कि बहुत सारे चीज़ ऐसे नए ऐजाद हुए हैं जिससे जो है आपके बिजनेसेस को फ़ायदा हो सकता है देखो तो तो असल मकसद ये है कि आज की तारीख़ में अगर आपको आंट्रप्रोर सक्सेसफुल बनना है तो बहुत सारे नई चीज़ों को आप अपने अंदर तब्दीली लाना ज़रूरी है डिनोसोर जो है उतना बड़ा जानवर वो दुनिया से इसलिए गायब हो गया कि उसके अंदर तब्दीली नहीं आई वो क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा था उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया तो हम लोग भी अगर ये सोचते रहे कि हमारे माँ बाप जो है करोड़पति थे और हम लोग उनका करोड़ों का कारोबार हम मैनेज कर जाएंगे सिर्फ उसी तरीके से चलाएंगे जैसे हमारे वालिद और हमारे दादा चलाते थे हमारे चाचा चलाते थे तो नहीं चलेगा आज बदलाव है बदलाव का ज़माना है उस वक्त जो है स्लेट लेकर जाते थे हम स्कूल आज जो है कंप्यूटर और टैबलेट लेके बच्चे जाते हैं लैपटॉप लेके जाते हैं तो वक्त जो है चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उस वक्त तो हम ये सोच के रह जाना है कि नहीं नहीं हमारे आसपास के माहौल चेंज हो लेकिन हम बिजनेस करने का तरीका चेंज नहीं करेंगे तो ये गलत है शाहरुख खान भी अपने आप को स्टारड्रम को साबित करने के लिए और अपने आप को कायम रखने के लिए अपने अंदर तब्दील लेके आया मतलब इतना बड़ा स्टार है जो दुनिया में उसकी सबसे बड़ा फॉलो फॉलोअप फा, है इसके बावजूद भी इतना माल होने के बावजूद भी उसका शख्सियत जो है सीखने का है हम लोग जानते हैं कि वो एक स्टार है वो एक एक्टिंग वर्ल्ड में है मूवी वर्ल्ड में है लेकिन वो तब्दीली लेके आया जब जाके उसका एक मूवी जो है बहुत बड़ा हिट हो गया तो हमारे अंदर तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है तो ये मौका है हमको कि हमको सीखना है वो क्या क्या तब्दीली है तो हमको लाना है हमारे बिज़नेस में हमारे कारोबार में जो हम 25 तीस हज़ार से लेकर हम पचास हज़ार एक लाख दो लाख पाँच लाख पाँच करोड़ कैसे हम बढ़ सकते हैं तो हमारा मकसद ये तो उसमें हम सिखाएंगे इन बहुत सारे चीज़ों को हम, हम उसी तरीके से जोड़ के रखें कि आपको उससे बहुत सारे मतलब फ़ायदा पहुँचें और वर्कशॉप भी आ, इस तरीके से बनाया गया कि आप इनशाला उसमें बहुत सारे चीज़ों को सीख के लेके कर जाएँ ये दूसरा आपको अहम फ़ायदा है तीसरा जो है वहाँ पर जो स्पीकर हैं वो लोग भी का बहुत सारे मतलब कामयाब ऑन्टरप्रीनियर्स हैं जो छोटे छोटे बिजनेस से शुरुआत करके कर अपने एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं तो वो लोग बात करेंगे आपसे आपको उन लोगों के साथ में बात करने का मौका मिलेगा और इस बार जो है ओपन नेटवर्क है क्लोज नेटवर्क है दोनों भी है मतलब आपस में वन ऑन वन आप बात कर सकते हैं क्लियरली हम लोग उसको आइडेंटिफाई किया है कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके अंदर शामिल होकर आप आप दोनों के साथ में गुफगू हो सकता है और उस तरीके से गफ्तु होना वो भी हम सिखाएंगे इन शाला ताकि आप लोग जो है एग्जैक्ट जो मकसद से आप वहाँ पर आते हैं तो उस मकसद को अचीव करके जाएँ तो है हमारा मकसद है तो इसके लिए आपको वहाँ पर नेटवर्किंग मिलेगी मतलब आप एक दूसरे से मिल सकते हो सौं की तदाद में इन कारोबारी आने का उसमें हमारी उम्मीद है दूसरा जो है बिजनेस सक्सेसफुल ऑन्ट्रप्रीनियर से बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हैं और सीख सकते हैं उनसे और आखिर और बहुत बो, बो, अहम चीज़ जो है रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लेंगे जो शख्सियत आप आपके सामने खड़ा रहेगा और बोलेगा कि मैंने इस छोटे से नेटवर्क को किस तरीके से फ़ायदा उठाकर आज एक करोड़ करोड़पति के लेवल में आ चुका हूँ दो तीन साल के तो बहुत कम हम लोग स्टार्ट किया आई ए का फर्स्ट इवेंट था आज ये फिजिकल इवेंट हमारा तीसरा है तीसरे इवेंट में हमारे पास करोड़पति है माशाल्लाह देखो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहनत है हमारी सॉरी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मसलियत है हमारे भाइयों की मेहनत है ऑफकोर्स बहुत सारे भाई इस पर मेहनत किए हैं और इस इवेंट के लिए भी हमारे जो साथियाँ हैं दोस्त हैं वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी जो टीम है वैकेंट टीम वो दिन रात एक कर रही है इसको कि आपके सामने एक बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी चीज़ पेश करें तो हमारे यहाँ हम बहुत मेहनत चल रही है अब ये अगर इस सही पैमाने में देखें पैमाने में, देख, में देखें तो इस नेटवर्किंग का जो इवेंट का कॉस्ट है कम से कम दस पंद्रह हज़ार रुपये तो आ, आराम से कलेक्ट कर देगा कोई मार्केट में अगर कोई दूसरे तरीके से अगर इसको चलाना चाहे तो हम लोग जो है कम्युनिटी को कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हम देने की कोशिश करते हैं तो हम इसको जो है सिर्फ वो होटल का फीस में भी डिस्काउंटेड फीस रखे हैं तो वो आपको फ़ीस भरना है एक हज़ार दो सौ पचास और अपने आप को जो है उसको रजिस्टर करना है सीट्स बहुत कम हैं अभी बचे हुए थोड़े ही हैं तो आप लोग से गुजारिश है कि फ़ौर आप बुक कर लें मेरे, मेरा मेरा इनशाला आपसे कमिटमेंट है और हमारे तरफ से आई एस सी सी की तरफ से मेरे साथियों की तरफ से मेरी कमिटमेंट है हम उन सब के बिहाफ़ में कि हम आपको इनशाला आप हमारे जो आप बारह सौ पचास आपका इन्वेस्टमेंट होगा उससे कम से कम दस गुना आपको फ़ायदा मिलेगा इन बार और यकीन रखिए और अल्लाह ताला से उम्मीद रखिए कि हम इस मकसद में कामयाब हों और आप लोगों से गुजारिश है हम जो मेहनत करते हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो माकामयाबी होने का उसमें कोई चारा ही नहीं है बिना आपके तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे तो महबरान से गुजारिश है कि आप पार्टिसपेट करें और हौसला हम लोगों का ही बढ़ाएँ कि हम लोग भी ये सब वॉलेंटियर्स हैं तो दिल से काम करना चाहते हैं कुछ आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि उम्मीद है इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सो आई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू काइंडली अटेंड and also i request other uh, community associations who are uh, contributing to the society today and they are participating in uh, community upliftment they also can come and you know uh, participate in this event and inshallah we will also learn from you and we will also see that you, know, you also take home something worth inshallah zakallah assalamu alaikum rahmatullah